आपके फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके उसका एक सीक्वेंस बना लेना है, एंड जस्ट उसी सीक्वेंस के नीचे आपको एक सेम फाइल की डुप्लीकेट बना लेनी है और ऊपर वाली फाइल को सिलेक्ट करके रखना है। एंड उसका आपको एक रोटो ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर जैसे मैं टच कर रहा हूँ वैसे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। रोटो ब्रश सिलेक्ट करके आप जो फर्स्ट वाली वीडियो उसको डबल क्लिक कीजिए जैसे कि, एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक लेयर खुल जाएगी। तो वीडियो को थोड़ा जूम कर लेना है रोटो ब्रश को हमको सिलेक्ट करके, एंड आपको एक तरीके से सिलेक्ट करना रहेगा जो सब्जेक्ट है। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे रोटो ब्रश सिलेक्ट कर रहा हूँ रैंडमली, इसी तरीके से आप भी कर लीजिए। देखिए तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से हो रहा है। तो रोटो ब्रश आपका जैसे ही हो जाएगा तो आपका एक कैरेक्टर को ट्रैक कर लेगा एंड उसके ऊपर एक तरीके से आ जाएगा पूरी तरीके से सिलेक्ट होकर। देखिए इस तरीके से बैकग्राउंड हटा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे मैंने अभी ले लिया है, एडजस्टमेंट लेयर को मैंने बीच में रख दिया है, ठीक है। एंड एडजस्टमेंट लेयर का जो काम आएगा इसको मैं अभी बता देता हूँ। एडजस्टमेंट लेयर में हम लोग एक इफेक्ट डालेंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाके, इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाके हम लेंगे ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट, इसमें हम लगा देंगे तो जो पीछे का बैकग्राउंड है पूरी तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। जो हमारा सब्जेक्ट है और टेक्स्ट है वो एक तरीके से उभर के आएगा इससे, ठीक है। तो अभी मैं टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट टाइप कर दूँगा। मैं यहाँ पर मेरा नाम लिख रहा हूँ मंगल शुक्ला, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एक मैं एनिमेशन भी दे दूँगा इन एंड आउट के लिए। देखिए इस तरीके से एक आप अच्छे से एनिमेशन दीजिए टेक्स्ट को पॉपअप का, और ये आपकी वीडियो कुछ इस तरीके से बनकर रेडी है। थैंक यू।